हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और देखिए, आज की इस वीडियो में ना हम एक ऐसा टॉपिक सीखेंगे जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्या रहते हैं? बच्चे सिंपल सेंटेंसेस तो बना लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है उनसे कोई बोलता है कि भाई नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओ, नकारात्मक सेंटेंसेस बनाओ, उनसे बनते ही नहीं है। कोई उनसे बोलता है कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओ, वो भी उनसे नहीं बनते। कोई उनसे बोलता है चलो इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन बना के दिखा दो, वो भी उनसे नहीं बनता। मतलब बनेगा कैसे? उनको ये ही नहीं पता कि नेगेटिव, इंटरोगेटिव या फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनको बनाने का फॉर्मूला क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। अब ये जो चीज़ हम सीखेंगे ना, ये टेंसेज में तो अप्लाई होगी, इसके साथ साथ इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो मॉडल वर्ब से बना हो, कंडीशनल सेंटेंसेस से बना हो, पॉजिटिव वर्ब से बना हो, किसी से भी आपका कोई भी सेंटेंस बना हो, सब में ये जो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। और इसकी हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर रुकें। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो, जब आप कोई भी सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसको बनाने का फॉर्मूला ये है। अब देखो, मैं आपको ना अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और फिर होता है आपका ऑब्जेक्ट। इसको आप लिख दो मास्टर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मास्टर फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप मास्टर फॉर्मूला के नाम से याद रखो, ठीक है। मैं आपको देखो रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि ये बने कैसे। अगर आप रटोगे तो आप इनको भूल जाओगे, अब याद करोगे कल फिर भूल जाओगे, लेकिन मैं आपको इनको रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट, इनका क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। और अब देखो, जैसे जैसे मैं बताऊंगा उस हिसाब से आपको याद रखना है। इस सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इस हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आपकी वर्ब की फॉर्म लगती है, और ये जो वर्ब है ना ये ऑब्जेक्ट पर काम करती है। आया समझ में? दोबारा देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इस तरह के, ठीक है। इस सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी चाहिए। जैसे कि ही के साथ लगेगा हैज, जबकि आई के साथ लगता है हैव, है ना। तो देखो, सब्जेक्ट चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी। अब ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, यानी कि अगर इज एम आ रहा है तो वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म आती है ना। हैज हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यदि यहां पर आपको डूडल्स हम लिखेंगे तो वर्ब की पहली फॉर्म आती है। मतलब हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, ठीक है। और ये जो वर्ब है ना ये इस ऑब्जेक्ट पर की जाती है, यानी कि ये जो काम है ये इस ऑब्जेक्ट पर किया जाता है। ये चीज है इस स्ट्रक्चर का मतलब, ठीक। अब देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, या फिर आगे सब्जेक्ट, पीछे ऑब्जेक्ट, बीच में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपके आते हैं। ये बात आप समझ गए। अब ये चीज आप देखो, ऐसे समझोगे चुटकियों में। सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस यही फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ पर हमने जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है, इसके बाद क्या लिख दो? नॉट लिख दो। क्या लिख दो? नॉट लिख दो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। तो देखो, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने यही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट, यही है। लेकिन हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया, नॉट, ठीक है। तो जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओगे, आपका सेंटेंस जो है वो किस में बन जाएगा? नेगेटिव में। एक बात आपको याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपका जो है ये नॉट लगेगा। कभी आप सब्जेक्ट के बाद लगा दो, कभी आप वर्ब के बाद लगा दो, या ऑब्जेक्ट के बाद लगा दो, कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद। और हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ड आते हैं ये आप जानते होंगे, जैसे इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, डू डज डिड, विल, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमने क्या किया था नेगेटिव में, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया था। अब जब इंटरोगेटिव बनाओगे ना, तो एक काम कर दो, इस हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले आओ, यहां से इसको हटा दो, ठीक है। यहां से इसको रिमूव कर दो, हटा दो, ये लो हमने हटा दिया इसको यहां से, ठीक है। अब जब यहां से ये हट गया तो अब यहां कुछ नहीं बचेगा, यहां पे डायरेक्ट वर्ब आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब हमने कहां लिख दिया? सबसे आगे लिख दिया, तो लो आपका इंटरोगेटिव भी बन गया। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके ये इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, डू डज, इनको आगे लिख दो,
इंटरोगेटिव बन जाएगा। कई बार क्या होता है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड की भी जरूरत पड़ जाती है, तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड को इस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या किया है हमने, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया, बाकी जो बचा है, अब जैसे सब्जेक्ट बचा है तो सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब चला गया तो बचा क्या, वर्ब, तो वर्ब लिख दिया, लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। और देखो यदि आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव एक ही सेंटेंस में बनाने हैं तो क्या करना होगा। अब इसको समझने के लिए ना आपको एक चीज याद रखनी है, वो मैं आपको भी बताता हूं। देखो इसको समझने के लिए पहले आपको क्या करना है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस में नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का सेंटेंस क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना था हमें, नॉट लगाना था, ये रहा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखनी है वर्ब, और फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाना। अब नेगेटिव तो हमने बना दिया, इंटरोगेटिव भी बनाने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से आगे लिखना पड़ता है। तो ये लो हमने लिख दी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे, और यहाँ से जब हेल्पिंग वर्ब गायब हो गई तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे, ये लो हमने हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया, ठीक है। ये लो अब आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों फॉर्म्स में बन चुका है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, और फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपका आ गया। ये रूल अगर आपको याद है तो आप नेगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव बनाओ, कुछ भी बनाओ, सिंपल बनाओ, सारे सेंटेंसेज आपके बन जाएंगे। चलो आगे बढ़े, आगे देखो। अब यहाँ पर जो टेंसेज में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो टेंसेज में ना आपको एक बात याद रखनी है, वो क्या है, टेंसेज में सभी टेंसेज में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी सिवाय प्रेजेंट के इंडेफिनेट में, ठीक है। एक प्रेजेंट इंडेफिनेट में नहीं है, और एक आपके पास्ट के इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। इनमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, प्रेजेंट इंडेफिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस लगेगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट का फॉर्मूला आप जानती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। अब टेंसेज में ये दो चीज ऐसी हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बाकी सब में देखो आपको एसएमआर मिलेगा कॉन्टिन्यूस में, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में विल बी, फिर आपको हैज एम मिलेगा, हैड मिलेगा, विल हैव मिलेगा, तो सब में हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ इन दोनों में नहीं है। अब जब इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम इनके नेगेटिव कैसे बनाए, क्योंकि नेगेटिव के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है, ना तो हम वर्ब के बाद लगाएंगे, ना सब्जेक्ट के बाद, ना ऑब्जेक्ट के बाद। तो अब यहाँ क्या किया गया, इंग्लिश में बोला गया भाई जब तुम इनके नेगेटिव बनाओ ना, ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव या फिर इसके इंटरोगेटिव जो आप सेंटेंसेस बनाओ, तो आपको क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब की तरह डू डज का इस्तेमाल करना है। किसका, हेल्पिंग वर्ब की तरह डू डज का इस्तेमाल करना है, और इसके बाद नॉट लगा दो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगा लो क्या, डू डज, और इसके बाद नॉट लगा दो। तो इनका जो सेंटेंस का फॉर्मूला बना था वो क्या बना था, इन्होंने बोला भाई डूडज लगाओ, तो ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश बनाई उन्होंने डूडज लगा दिया। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब की तरह फिर क्या लिखा, डूडज लिखा, उसके बाद लिखा नॉट, और यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आपका आ गया। ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेज ऐसे बनेंगे। अब इंटरोगेटिव बनाने तो आसान है, इस डूडज को आगे लिख दो, क्योंकि ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। एक बात और याद रखनी है, ध्यान से, डू डज और डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म जो है इस्तेमाल होती है, ठीक है। पास्ट में क्या बोला हमने, पास्ट में बोला कि भाई तुम यहां पर डू डज का इस्तेमाल किया, यहां पर डिड का कर लो, लेकिन 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 सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटरोगेटिव में लगाना है डू डज और डिड, बाकी ऐसा नहीं है कि सिंपल सेंटेंसेस में भी डू डज डिड लगा दो प्रेजेंट के में या पास्ट के में, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। नेगेटिव में क्या करना था, जो है डिड लगाना था पास्ट में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब की तरह डिड लिखा, उसके बाद नॉट लिखा, वर्ब की पहली फॉर्म लिखी, ऑब्जेक्ट लिखा। कुछ बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर अब भी वर्ब की दूसरी फॉर्म ही आएगी, भैया दूसरी नहीं आएगी, डू डज और डिड के साथ पहली फॉर्म आती है, तो यहाँ पर अब पहली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, ट्रांसलेट हो जाएंगे। और इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए अब डिड को सबसे पहले लिख दो, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से टेंसेज में ये दो चीज़ें हैं जो हमने कवर की हैं, ठीक है, ये आपको भी याद रखनी है। तो यही बात है कि प्रेजेंट के इंडेफिनेट में हमने डूडज को लिखा, ठीक है, इंटरोगेटिव में, और नेगेटिव में हमने डूडज के बाद नॉट लिखा, हेल्पिंग वर्ब की तरह हमने किसको इस्तेमाल किया, डूडज का, और पास्ट में हमने डिड जो है उसका हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया, और उसी को हमने कभी सब्जेक्ट से पहले लिखा,
कभी उसके बाद हमने नॉट लिखा, ठीक। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था मेरे हिसाब से जो आपको आना चाहिए। अब देखो, अब बाकी के जो बचे हुए हैं, अब जैसे डूडल्स तो हमने देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट तो देख लिया, अब बाकी के जो टेंसेज हैं जैसे कि इजमार और वाजवर कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है, इजमार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वाजवर पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो आपको इनके बाद नॉट लगाना है, ठीक है। हैज हैव हैड, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट, इनके बाद नॉट लगाना है। अब कई बार ऐसा होता हैज बीन हैड बीन, ऐसे दो दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, अब भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये दो की बजाय बेशक तीन वर्ड की क्यों ना आ जाए, आपको हमेशा ये जो पहला वर्ड है ना, पहला वर्ड इसके बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो देखो हैज बीन में हमने हैज के बाद ही नॉट लगा दिया, इसके बाद अब तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने वर्ड हो, होने दो। अब जैसे हैड बीन लिखा हुआ है, ठीक है, हैड बीन, अब हैड बीन लिखा हुआ है, लिखे लेने दो, पहले के बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो, तो यहां पर आपका नॉट आ जाएगा, हैड नॉट बीन। अब जैसे विल भी है तो विल के बाद नॉट लगाओ, क्योंकि पहले के बाद लगाना है, विल हैव है तो विल के बाद, पहले के बाद नॉट लगाओ, ठीक है। तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा देखो, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आपका क्या कोई प्रीमियम कोर्स भी है, तो देखो हमारा प्रीमियम कोर्स है जो कि हमारे खुद के ऐप पर है, हमारे ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, ये इसका लोगो है, इस पर आपको हमारा जो कोर्स है वो मिल जाएगा, और बिल्कुल प्रीमियम कोर्स है, ऐसा नहीं है कि जैसे यूट्यूब पे आप ऐसे ही पढ़ देते हो, मैंने ज़्यादातर फोकस किया है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, मैंने रटवाया नहीं है, कॉन्सेप्ट पर फोकस किया है जो हमारा कोर्स है, और बेसिक से एडवांस लेवल तक का जो कोर्स है हमारा वो रहने वाला है, ठीक है। अगर आपको कोई इशू है तो ये नंबर है हमारा, इस पर आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई इशू है, आपको ऐप का लिंक नहीं मिल रहा है, ऐप आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और देखिए डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ क्लास नोट्स हैं, ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपको वीडियो के नीचे दिख रहे होंगे, अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं तो आप इनको भी बाय कर सकते हैं। चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी है वो आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अच्छा आपको टेंसेस तो आते होंगे, छोटे मोटे सेंटेंसेस तो आप बना लेते होंगे ना, मैंने लिखा वह घर नहीं जा रहा था, तो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट के कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। मुझे कैसे पता चला कि कोई काम किया जा रहा था पास्ट में, लेकिन नेगेटिव है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव कह जा, ये बन जाएगा, ठीक है। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले लिखो वह यानी कि ही, क्योंकि सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाजवर आता है तो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, अब इसके तुरंत बाद नेगेटिव बनाना है तो हमने नॉट लिख दिया, वर्ब में आईएनजी लगेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी लगती है, ठीक है। लास्ट में होम लिख दिया, ही वाज नॉट गोइंग होम, ठीक है, मैंने उसे नहीं देखा, पास्ट का इंडेफिनेट का नेगेटिव है, पास्ट के इंडेफिनेट का नेगेटिव है, मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, मैं खेल नहीं रहा हूं, मैं खेल नहीं रहा हूं, तो बोलोगे आई एम नॉट प्लेइंग, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म, राहुल पढ़ा नहीं है, तो राहुल सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर नॉट, फिर स्टडीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। शुरू में मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था, कि ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो देखो ही के हिसाब से वाज आया है, आई के हिसाब से डिड, आई के हिसाब से एम, राहुल के हिसाब से हैज, ही के हिसाब से हैड, ही के हिसाब से यहाँ पर विल, तो ये हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, और इस हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करेगा कि हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी आगे। तो देखो वाज के साथ आईएनजी वाली आती है, डिड के साथ पहली फॉर्म आती है, एम के साथ आईएनजी वाली आती है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाकी नॉट तो एक्स्ट्रा है बीच में क्योंकि नेगेटिव था, ठीक है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करता है कि वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म आने वाली है, ठीक है। आगे देखो, उसने मुझे नहीं देखा था, He had not seen me, या फिर he did not see me, ठीक है, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मुझे नहीं बुलाएगा, He will not invite या फिर call me, He will not invite me या call me, ठीक है। वो स्कूल नहीं जाता है, He does not go to the school, देखो डूडज और डिड जहां पर भी आपको देखेंगे समझ जाना डूडज प्रेजेंट इंडेफिनेट का है और डिड आपका पास्ट इंडेफिनेट का जो है नेगेटिव है, ठीक है। पापा ऑफिस नहीं गए, तो पापा डिड नॉट गो टू ऑफिस, पापा डिड नॉट गो टू ऑफिस, पापा कहाँ नहीं गए, ऑफिस नहीं गए, ठीक है, आ गया समझ में। आगे देखो, यदि आपको इंटरोगेटिव बनाने हैं तो कुछ नहीं करना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट से पहले लिख दो, सेंटेंसेज आपके इंटरोगेटिव बन जाएंगे। जैसे कि क्या वह घर जा रहा था, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से पता चल रही है, टेंस में, ये जो हिंदी में लास्ट में वर्ड्स है ना इनसे हमें पता चलता है कि हमारे टेंस मतलब सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी।
जा रहा था रहे थे, कौन सा टेंस है? पास्ट के कॉन्टिन्यूस का है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर लगता है, तो वाज वर सबसे पहले, अब आपको वाज लगाना है, वर ये कौन बताएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह में, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ही के साथ क्या आता है? वाज आता है, तो इस वाज को आगे लिख दो, तो वाज ही। उसके बाद देखो सब्जेक्ट लिख दिया, अब लिखनी है वर्ब। वर्ब कौन सी लगती है? आईएनजी वाली। तो वाज ही गोइंग होम, क्या वो घर जा रहा था? ठीक है, क्या मैंने उसे देखा? डिड आई सी हिम, डिड आई सी हिम। तो देखो सब में रेड कलर की जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट से पहले लगी हुई है। क्या मैं खेल रहा हूँ? एम आई प्लेइंग, एम आई प्लेइंग। क्या राहुल ने पढ़ाई की है? हैज राहुल स्टडीड, हैज राहुल स्टडीड। अगर देखो आपको टेंस पहचान में नहीं आ रहा है ना, तो YouTube पर जाओ, जहां पे सर्च करते हो आप, ठीक है, वहां पे लिखो। वहां पे आपको क्या लिखना है? वहां पे आपको लिखना है टेंस बाई चिंटू सर। क्या लिखना है? टेंस बाई चिंटू सर। और आपको जो हमारी वीडियो है टेंसेज के ऊपर, वो मिल जाएगी। बिल्कुल बेसिक से अच्छे से मैंने टेंसेज को समझाया है। जो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है अगर कुछ बच्चों को कि टेंस समझ में नहीं आ रहे, तो ये टेंस भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उसमें तो मैंने सारी चीज़ें बेसिक से बता रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं उनको आप बनाएंगे, ठीक है। और देखो आप हमें ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं भाई, इधर उधर आप फॉलो करते रहते हो, एक अच्छा जो चीज़ है, जो कंटेंट आपको मिलेगा जहाँ पे, उसको भी तो फॉलो कर लो। इंग्लिश विद चिंटू के नाम से हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज मिलेगा। और जो बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पे भी इंग्लिश विद चिंटू पे आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का फायदा यह होगा कि आपको ये जितनी भी ईडीएफ पीडीएफ जो भी पढ़ाता हूं मैं, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको अच्छी अच्छी पोस्ट जो है वो देखने को मिलने वाली है, ठीक है। चलो अब बात आती है ये जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस अभी हमने पीछे पढ़े थे, ठीक है। तो अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि क्या वह घर जा रहा है, अब यहां पर क्या है, इंटरोगेटिव के साथ साथ हमने क्या मिक्स कर दिया, देखो नॉट है सब में, अब है ना, यानी कि हमने नेगेटिव भी मिक्स कर दिया। तो यानी कि इंटरोगेटिव में हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। तो नेगेटिव लगा दिया तो सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्या वह घर नहीं जा रहा था, तो देखो यहां पर नेगेटिव भी आ गया और क्वेश्चन मार्क वाला भी आ गया, तो दोनों को एक साथ बनाने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। कैसे बोलेंगे? वाज ही नॉट गोइंग होम, क्या वह घर नहीं जा रहा था, क्या मैंने उसे नहीं देखा, डिड आई नॉट सी हिम, डिड आई नॉट सी हिम, क्या मैंने उसे नहीं देखा, क्या मैं खेल नहीं रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं खेल नहीं रहा हूँ, क्या राहुल ने पढ़ाई नहीं की है, हैज राहुल नॉट स्टडीड, हैज राहुल नॉट स्टडीड, क्या राहुल ने पढ़ाई नहीं की है, क्या उसने मुझे नहीं देखा था, हैड ही नॉट सीन मी, या फिर डिड ही नॉट सी मी। इस तरह से आप सेंटेंसेज को बनाओगे और आपके सेंटेंसेज बनेंगे धड़ल्ले से, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। हमारे जो नोट्स अगर आप लेना चाहते हो, देखो वीडियो के नीचे आपको दिख रहे होंगे, कोर्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है आपका। क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, इसको मुझे आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। अगर आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया तो समझ लो आप सेंटेंसेज को समझ गए, और हो सके तो सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।